वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश यहाँ श्रीनगर में हो रही है। सुरक्षा बलों की ये गाड़ियाँ सामने से दूसरी तरफ आती हुई, और आपको बता दें श्रीनगर के तकरीबन हर हिस्से का यही हाल है। हम इस वक्त जम्मू के गांधीनगर इलाके में मौजूद हैं। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं ये डोगरा नेता चौधरी लाल सिंह का घर है। उनको सूत्रों के मुताबिक हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। चार दिन से लगातार इसी तरीके का क्लैंप डाउन चल रहा है। कई सारे लोगों को परेशानी इस चीज की भी है कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर घाटी में तनाव बना हुआ है। आज चौथा दिन है, लगातार रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं श्रीनगर शहर और बाकी इलाकों में। करगिल और लेह को जोड़ने वाला लद्दाख, और आज उस लद्दाख में इस चौथे दिन क्या हो रहा है मेरे पीछे की ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये जो तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पर, इस बात का गवाह है कि आखिर आज लद्दाख कितना खुश है। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देश का तिरंगा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद एनएसए अजीत डोभाल नए मिशन में लग गए हैं। डोभाल घाटी में लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। आराम से रहे, ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो एक ही करता है। भलाई के लिए दुआ करते हो, करे दो हमारी, बस ऐसा है। वैसे नेक इंसानों को दुआ बड़ी खास है, ऐसा भी होता है। और दुआ के लिए घाटी में अमन चैन की वापसी का दारोमदार अब खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर है। डोभाल अब नए मिशन पर है, आम लोगों से बात कर रहे हैं, ये भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है उनकी बेहतरी के लिए है। कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा, आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का देखो है। किस तरह से यह खुशहाली आए, किस तरह से आप, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सके, आगे बढ़ सके, दुनिया में अपना नाम कमा सके, अपने लिए अपनी तजारत, अपने मजहब, अपने इसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सके। अनुच्छेद 370 को अतीत का हिस्सा बनाने में अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अब ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आम कश्मीरियों का दिल जीतने की है। अजीत डोभाल सुरक्षा बलों के हौसले को भी ताकत दे रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों का उन्होंने खूब जज्बा बढ़ाया। हमको मालूम है कि सीआरपी जो फोर्स है हमारे देश की, उस पर पूरे देश को बहुत बड़ी ड्यूटी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर अगर समस्या आई हो या जहाँ पर राष्ट्र को जरूरत पड़ी हो अपने बल की और अपने उसकी प्रयोग करने की, जहाँ पर सीआरपी नहीं है। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो लॉ ऑर्डर हो, चाहे कम्युनल राइट्स हो, और जहाँ जहाँ वो गई है, जिस कामयाबी से उसने अपना फर्ज निभाया। आतंकवाद का जड़ मूल खत्म करना है तो उसमें बड़ा रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का भी होगा। वो कश्मीर के स्थानीय बाशिंदे हैं। अजीत डोभाल उनके बीच भी गए, जवानों से बात की। ये मेरे लिए बड़ा फख्र। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का अपना एक खास मैार है। आप लोगों ने जो कामयाबियाँ हासिल की, आप लोगों ने जिन मुश्किलात का फैसला को किया है, आप लोगों को और आपकी बिशरफ, सब बिशरफ, आप लोगों ने, आपकी फैमिलीज ने, आपके रिश्तेदारों ने जिस तरह की तकलीफों का वो किया, मुझे उसका इल्म है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार कितनी शिद्दत से कश्मीरियों का भरोसा जीतने की कोशिश में लगी है, चाहे वो आम लोग हो या सुरक्षा के जवान। ये शुरुआत है, आगे ऐसे और भी कदम आपको दिखेंगे। सर, अजीत डोभाल की तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। सर, अजीत डोभाल की तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। ग्राउंड जीरो के हालात बता रहे हैं कि हालात सुधारने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज तक ब्यूरो। गुलाम नबी आजाद के बयान पर सियासत गर्मा गई है, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तो आपको हम बता दें, गुलाम नबी आजाद ने अजीत डोभाल के लोगों के साथ खाना खाने को लेकर भी सवाल उठाए, और जिस तरह से कल वो लोग लगातार लोगों से मिल रहे थे, लोगों को कह रहे थे, अभी आपने रिपोर्ट भी देखी कि किस तरह से लोगों को वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ कहा। अब बीजेपी हमलावर हो गई है। उस दिन उनको लग रहा था जुबान क्यों बंद था, जिस दिन पत्थरबाजों से गले, अलगाववादियों से गले मिल रहे थे कांग्रेसी,
जिस समय सिद्धू पाकिस्तान जाकर के अलगाववादियों की नुमाइंदा बन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बातें कर रहे थे, उस समय उनकी जुबान क्यों बंद हो रही थी? तो मैं चाहता हूँ कि गुलाम नबी साहब हमारे एलओपी भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, और कश्मीर के हैं, भूतपूर्व सीएम हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। दिल्ली की सत्ता को चाहिए कि उन्हें इजाज़त दे कि वो लोगों से मिल पाए। ये उनके लिए भी एक बेहतर कदम होगा, जिसको मैं मानूंगा कि एक तरह से एक कम से कम एक हीलिंग हैंड पहुंचेगा लोगों तक। जहां तक रही वीडियो के बारे में उनकी टिप्पणी, तो कल जब मैंने वो वीडियो देखा तो आप चार लोग हैं, आप खाना उनके साथ खा रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं, टोटल शटडाउन है, तो उसको मैं बहुत नॉर्मल नहीं देख पाया और सामान्य तो मुझे दिखा नहीं। बीजेपी का कहना है कि गुलाम नबी आजाद पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। शाहनवाज जी, जब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है धारा 370 को हटाया गया है, वहाँ पर हालात को सामान्य करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो सोपियान में जाके लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा पैसे देकर किसी को भी साथ लेके आ सकते हैं। जिस तरीके से देखिए क्या जबान बोल रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद साहब सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, वो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। ये बयान कहीं भारत के हित का बयान नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के बयान का दुरुपयोग करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी तो यही कहता है कि भारत पैसे से कुछ लोगों को खरीद रहा है। उसी तरह की जबान कांग्रेस के नेता के जरिए बोली जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डोभाल साहब, वहाँ गए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अच्छा संदेश जा रहा है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं पैसे दे के किसी को भी ख़रीद लो, ये तरीका है। कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरह अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के अंदर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि दो देशों के बीच का बायलेटरल मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये दोनों नेता उनके इस तरह के बयान दे रहे हैं, देश के लोगों को इस बयान को देखकर गुस्सा आता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हम।